शाह LIC फाइनेंशियल कंसल्टेंट। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है, खासकर जो LIC के पॉलिसी होल्डर हैं, LIC के कस्टमर्स हैं। आज मैं एक ऐसे ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो कि इस ऐप के माध्यम से आप अपने पॉलिसी का पूरा डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है LIC कस्टमर। LIC कस्टमर की मैं सबसे पहले खूबियाँ बता देता हूँ। जितने भी आपके पॉलिसी हैं वो इस ऐप में ऐड कर सकते हैं और कहीं भी आप किसी भी समय अपने पॉलिसी का डिटेल चेक कर सकते हैं, उसका पॉलिसी बॉन्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ड्यू डेट दे सकते हैं, स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, नॉमिनी चेक कर सकते हैं, एड्रेस चेक कर सकते हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पेमेंट चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल पे जाना है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको टाइप करना है LIC कस्टमर और उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए नाउ योर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे क्विक सर्विस का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें नहीं जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इस ऐप को तो यहाँ पे क्या करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर रखा है वो रजिस्टर्ड पोर्टल यूज़र पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेशर है, मतलब हमने इसका कभी यूज़ नहीं किया है, तो हमें न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू सर्विस नज़र आएगा जिसमें आपको पॉलिसी नंबर डालना है। 9 डिजिट का आपका पॉलिसी नंबर होता है, उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे जो भी आपका 9 डिजिट का पॉलिसी नंबर है वो टाइप कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, ध्यान रखिएगा जो भी आप इंस्टॉलमेंट यहाँ पे टाइप करेंगे विदाउट GST होना चाहिए, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में जब आपने पॉलिसी लेते समय अपना डेट ऑफ बर्थ दिया था वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ टाइप कर दीजिए। ईमेल आईडी कंपलसरी है, ईमेल आईडी जरूर यहाँ पे डालिएगा। पैन नंबर भी यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। और पासपोर्ट नंबर की बात करें तो ऑप्शन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर पैन नंबर मैंडेटरी है। पैन नंबर आपको टाइप करना ही करना है। तो यहाँ पे उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम आपका पॉलिसी नंबर या मोबाइल नंबर हो जाएगा, पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आप लॉगिन हो जाते हैं। अब मैं लॉगिन अपना यूज़र नेम पासवर्ड और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डालेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको एक नया सर्फेस नज़र आएगा जिसके अंदर आपको सबसे टॉप पे पॉलिसी नज़र आएगा, उसके बाद माई ऐप सर्विस में आएगा। ऐप सर्विस के अंदर मैं सब कुछ बताऊंगा बहुत ही विस्तार से। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे पॉलिसी, सबसे टॉप पे यहाँ पर अपने फैमिली का, चाहे आपका 5 पॉलिसी हो, चाहे 10 पॉलिसी हो, चाहे 2 पॉलिसी हो, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आता है। देखिए पॉलिसी किसके सामने प्लस का साइन है, तो यहाँ पर सेल्फ है, तो सेल्फ करके पॉलिसी नंबर अपना डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके पोर्टल के साथ ये जितनी भी आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये सबसे पहला फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आते हैं नाउ योर प्रोडक्ट। अगर सपोज़ करिए आप जीवन लाभ पॉलिसी लिए हैं या जीवन उमंग पॉलिसी लिए हैं या एंडोमेंट प्लान लिए हैं या टर्म प्लान है या जीवन उमंग है, तो यहाँ पे सब कुछ प्लान का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप इस अपने प्लान का डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम बेसिक सर्विस। तो बेसिक सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन प्रीमियम रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे प्रीमियम, अब डिस्पोज करिए रिन्यूअल प्रीमियम, यहाँ पे सिलेक्ट, जस्ट वेट, डन, ओके, डाउनलोड का ऑप्शन है, सिलेक्ट पॉलिसीज, ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहा। प्रीमियम कैलकुलेटर की बात करें तो ये आपके मतलब का चीज़ नहीं है। पॉलिसी शेड्यूल्स, दोस्तों आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है, जो आपको पॉलिसी बॉन्ड मिलता है, यहाँ पे पॉलिसी शेड्यूल्स में जाकर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करके यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट वेट फ्यू सेकंड्स, यहाँ पे डाउनलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही डाउनलोड होगा मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा कि यहाँ पर आप अपने पॉलिसी का पॉलिसी बॉन्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो पॉलिसी शेड्यूल्स में जाकर। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर सब कुछ आपका यहाँ पर डिटेल रहेगा। तो मैं बैक आता हूँ, पॉलिसी शेड्यूल्स में जाके अपने पॉलिसी को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। पॉलिसी स्टेटस, आप अपने पॉलिसी का स्टेटस यहाँ से कर सकते हैं, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम, इंस्टॉलमेंट, डेथ सम इंश्योर्ड क्या है, प्रीमियम ड्यू डेट क्या है, मैच्योरिटी सम इंश्योर्ड क्या है,
एज क्या है, कब पॉलिसी लिया था, कितने साल का टर्म है, कब चालू हुआ था, एजेंट का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, नॉमिनी में नाम किसका है, बिलिंग एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन प्रीमियम भी यहाँ से ऑप्शंस सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ में इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करके आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए सब कुछ स्क्रीन पे आ गया, आप अपने किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बैक आता हूँ। तो यहाँ पर आ गया ऐड न्यू पॉलिसीज, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पे सेल्फ पॉलिसी में डाल के आप सबमिट कर देंगे तो इसमें आपकी इस पोर्टल में आपका और भी जो पॉलिसी है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्लेम स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शंस आता है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ड्यू मंथ है 7, यहाँ पे जो मैच्योरिटी बेनिफिट आएगा वो 2038 में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर लोन स्टेटस की बात करें तो क्लिक करके देखते हैं क्या यहाँ पे लोन की फैसिलिटीज़ दिखा रहा है, कितना मिलेगा हमें। यहाँ पे अनेबल टू फैच दिस डिटेल नाउ, यहाँ पर आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा लोन के फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे प्रीमियम पैड सर्टिफिकेट भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। हम ITR जब फाइल करते हैं तो आपको अकाउंटेंट को आपको 1 साल का प्रीमियम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो यहाँ से आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो ईयर्स का करना है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिवाइवल कोटेशन, जब आपकी पॉलिसी लैप्स होती है तो यहाँ पे आप अपने पॉलिसी का कोटेशंस भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाता है। अब ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो आप अपने पॉलिसी का ऑनलाइन प्रीमियम भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नो प्रीमियम ड्यू पॉलिसी अवेलेबल। एडवांस यहाँ पे भी कोई ऑप्शंस नहीं है। टॉप अप प्रीमियम की क्या ऑप्शंस आता है, ये कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं। लोन इंटरेस्ट पेमेंट का भी ऑप्शंस है, यहाँ से आप अपना लोन इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं लॉगिन करके। तो जस्ट वेट, क्या आ रहा है ये, ओके। लोन रिपेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। और प्रीमियम सर्विस की बात करें तो ये कुछ अभी इसके अंदर कुछ नहीं दिखा रहा। सर्विस रिक्वेस्ट की बात करें तो सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर क्लिक करके देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। ए आई थिंक ओपन, चलिए ये तो कोई मतलब का चीज़ नहीं है। MPIN यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपने, ताकि आपको हमेशा आप 4 डिजिट का MPIN क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डालने की कोई आवश्यकता नहीं मिलेगी। यहाँ पे ग्रीवेंस की बात करें तो यहाँ पर अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोफाइल मैनेजमेंट की बात करें तो अपडेट योर प्रोफाइल, यहाँ पे जो भी अपना प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जेनरिक सर्विस क्या है, क्लिक करके हम देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। तो प्रीमियम कैलकुलेटर, डॉक्टर लोकेट, ऑफिस लोकेट, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे हम आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे टोटल सम एश्योर्ड है मेरा 2,50,000 रुपये का। इंश्योरेंस पोर्टफोलियो की बात करें तो क्या चीज़ है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ डैशबोर्ड पे आपको नज़र आएगा, बट यहाँ पे सब ब्लैंक है। अब इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ आई थिंक मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। और ये ऐप जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं, LIC के कस्टमर हैं, जिनके पास पॉलिसी है, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो प्ले स्टोर पर जाकर LIC कस्टमर टाइप करिए और वहां से आप रजिस्टर करिए, क्योंकि ये कंपलसरी है। आपको किसी भी ब्रांच में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे बैठे इस ऐप के माध्यम से अपने पॉलिसी की सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी एजेंट को आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, तो आप यहां से पेमेंट इजी तरह से कर सकते हैं।